अगेन वेलकम बैक टू द वैरायटी स्टफ। मेरा नाम है भूषण और आज का जो वीडियो रहने वाला है ये काफ़ी खास रहने वाला है, क्योंकि पहली वी ट्विन इंजन वाली मोटरसाइकिल इंडिया में लॉन्च होने वाली है, जो हॉबर स्टाइल में आती है। हॉबर स्टाइल यानी जो हार्ली डेविडसन की बाइक्स होती है, वो जो अंडरटेकर चलाता था WWE रॉ में, ठीक है, तो वो वाली उस टाइप की गाड़ी इंडिया में लॉन्च होने वाली है। कंपनी है एज यूजुअल, जी हाँ, द रॉयल एनफील्ड, ठीक है। तो हार्ली डेविडसन की बाइक के साथ टक्कर लेने के लिए रॉयल एनफील्ड अभी ये लॉन्च करने वाला वैसे कंसेप्ट बाइक आ चुकी है, नाम है KX। तो ये KX जो है ये एग्जैक्टली कैसे रहने वाले, तो आप पहले तो इमेज देख लीजिए, ठीक है, और इसकी कुछ इमेजेस मैं एंड ऑफ द वीडियो बिल्कुल डालने वाला हूँ, तो वो भी आप देख सकते हो। तो ये जो बाइक है ये हॉबर स्टाइल बाइक रहने वाली है, और ये रहने वाली ऑलमोस्ट 800 CC की बाइक। जी हाँ, 800 CC की बाइक रहेगी, तो एज यूजल इसकी प्राइस भी ज़्यादा रहेगी, बट प्राइस टैग अभी उसको मैं रिवील नहीं करूँगा क्योंकि मेरे पास भी खुद है नहीं, बट हम एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसका क्या क्या रहेगा। तो एक और चीज़ मैं बताऊँगा आपको हार्ली डेविडसन के बारे में एंड ऑफ द वीडियो, पहले ये कंप्लीट कर लेते हैं। चलिए, तो इसकी स्पेसिफिकेशंस एग्जैक्टली क्या रहने वाली है, ठीक है। तो ये जो गाड़ी रहेगी ये वी ट्विन इंजन वाली रहेगी, यानी जैसे आप हार्ली डेविडसन में देखते हो वी शेप में जो लगे रहते हैं वैसी। 838 CC का इंजन इसमें रहेगा, और मैक्सिमम हॉर्स पावर जो रहेगी वो रहेगी 90 HP, और बाकी अगर देखा जाए तो ज़्यादा कुछ आया नहीं है। फ्यूल इंजेक्शन इसमें सिस्टम रहेगा, जो इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम रहेगा, जिससे काफ़ी अच्छी एक स्पीड और टॉक मिलता है गाड़ी में। ASP रहेगा, एंटी ब्रेकिंग लॉक सिस्टम। उसके बाद में सस्पेंशन जो रहेगा वो दो साइड में, फ्रंट का अगर हम बात किया जाए तो फ्रंट में ड्यूल वाला रहेगा जो नॉर्मल आप हार्ली डेविडसन के बाइक में देखते हो, और पीछे में रहेगा मोनो सस्पेंशन जो कि आप होंडा की बाइक्स में देख सकते हो। होंडा यूनिकॉर्न और बाकी सब गाड़ियों में मोनो सस्पेंशन ही रहता है। और बाकी अगर बात की जाए गाड़ी की, तो गाड़ी वैसे स्टील का बना रहेगा और काफ़ी अच्छी उसकी हेवी लुक आप देख ही सकते हो। इसकी जो टैंक रहेगी फ्यूल की, वो टैंक रहेगी ऑलमोस्ट 30 लीटर्स के आसपास की उसकी टैंक रहेगी, 30 to 35 किलो लीटर्स की, ये रूमर्स है, ठीक है। एग्जैक्टली कितने की आएगी ये नहीं पता। ब्रेक की बात की जाए तो फ्रंट में अगर जैसे बात करते हैं, फ्रंट में आपको ट्विन डिस्क ब्रेक मिल जाएगा, और पीछे भी ट्विन डिस्क ब्रेक मिलेगा, क्योंकि इतनी ज़्यादा HP और इतना ज़्यादा अगर टॉर्क पैदा हो रहा है तो आपको उसकी ये भी मिलनी चाहिए, ठीक है। अगर बात की जाए इसकी सीट के हाइट की, तो इसकी सीट रहेगी 760 mm फ्रॉम द ग्राउंड, और बाकी सब चीज़ें इतनी ज़्यादा क्लियर है नहीं, इस वजह से मैं आपको बाकी सब चीज़ें नहीं बताऊँगा। प्राइस टैग की बात की जाए तो प्राइस टैग में ये गाड़ी शायद 7.5 लाख से लेके तो 12 लाख के बीच में आ सकती है, ठीक है। ये तो मैं मेरे तरफ से बोल रहा हूँ, क्योंकि 800 CC की अगर गाड़ी आप देखते हो कोई भी, तो शायद इसी प्राइस टैग में आती है, और इसी प्राइस टैग में ही आती है, ठीक है। तो ये तो था इस गाड़ी के बारे में, जिसका नाम है कंसेप्ट KX, जो रॉयल एनफील्ड लाने वाला है ऑटो शो डेली 2019 में। तो देखना ये है कि ये बाइक कब आती है और कैसी उसका अच्छा मार्केट में कितना ज़ोर पकड़ती है। अब बात करेंगे, मैंने जो हार्ली डेविडसन के बारे में कहा था, वो हार्ली डेविडसन अपना 500 CC वाला जो मॉडल है वो लॉन्च करने वाली है ऑटो एक्सपो में ही, जी हाँ, डेली में 2019 में। और उसका बाकी कुछ नहीं, बट प्राइस टैग जो है वो रिवील हो गया है, 5 लाख से लेके तो 8 लाख का उसका प्राइस टैग रहेगा। अब देखना ये है कि इस सेगमेंट में किलर कौन आता है। अब 500 CC का जो एनफील्ड का मॉडल है वो मार्केट में ज़्यादा नहीं चलता है, एज यूजल जितना आप 350 CC देखते हो, ठीक है। तो देखना ये है कि 500 CC के इसमें क्या हार्ली डेविडसन कुछ कर पाएगी। मुझे पर्सनली लगता है कि जहाँ हो सकता है, क्योंकि एनफील्ड का भी ऑलमोस्ट उतना ही चले जाता है, और 5 लाख से 7 लाख रुपये अगर आप हार्ली को दे देते हो, एक तो हार्ली डेविडसन हो जाता है और बाकी सब चीज़ें भी आपको मिलती है उसमें, बोलने के लिए हो जाता है हार्ली डेविडसन, ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए, तो देखते क्या होता है। तो ये तो आने वाले समय में पता चलेगा कि 500 CC के सेगमेंट में क्या हार्ली डेविडसन रॉयल एनफील्ड को पछाड़ पाएगा, या फिर 800 to 1000 CC की जो रेंज है उसमें रॉयल एनफील्ड फिर से इंडिया में कुछ अच्छा कर पाता है या नहीं। तो हम बिल्कुल इसको फॉरवर्डली देखेंगे, मैं खुद तो फॉरवर्ड इसको देख रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी ये गाड़ी लॉन्च हो और जल्दी से जल्दी उसका वॉक कराऊँ, तो भी मैं वीडियो बना पाऊँ। मेरा नाम भूषण, आप थे द वैरायटी स्टफ पे, और ये वाला वीडियो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर देना। और अगर आपको ये बेस्ट क्वालिटी में देखना है तो 720p पे 50 FPS आप देख सकते हो। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कमेंट जरूर कर देना, सब्सक्राइब जरूर कर देना, और हाँ, लाइक ज़रूर कर देना। थैंक यू, गुड नाइट, टेक केयर।